हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। हम लोग डीप लर्निंग में ऑप्टिमाइजर्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक नया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़ेंगे जिसका नाम है एडाग्रैड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन गाइज। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द नेम। इस एल्गोरिदम का नाम है एडाग्रैड और इसका फुल फॉर्म होता है अडैप्टिव ग्रेडियंट। ठीक है, और इस पूरे एल्गोरिदम में जो मेन फंडा होता है ना, वो ये होता है कि आप क्या करते हो कि आप अपने लर्निंग रेट को फिक्स नहीं रखते हो, आप उसको चेंज करते हो, या फिर आप बोल सकते हो उसको आप अडैप्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, सो दिस इज द मेन फंडा। अब मैं आपको पहले से बताने वाला हूँ कि कौन से सिनेरियो में एडाग्रैड अच्छा परफॉर्म करता है बाकी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स के कंपैरिजन में। फर्स्ट, अगर आपके इनपुट फीचर्स का स्केल बहुत अलग है, स्केल इज डिफरेंट, मतलब जैसे कि हमारे पास एक डेटा है CGPA और मान लो हमारे पास एक डेटा है व्हाट कैन आई से, लेट्स से सैलरी, और इससे हमें कुछ प्रिडिक्ट करना है, लेट्स से बैंक में लोन मिला कि नहीं। आई नो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा इस डेटा का, बट जो CGPA होगा वो 0 से 10 के बीच में होगा, सैलरी कुछ भी हो सकता है, 0 से 8 को रेंज टू लैक्स। तो अगर इस तरह का डेटा है ना, तो इस तरह के डेटा के ऊपर आपका अडैप्टिव ग्रेडियंट एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ऑल दो जनरली लोग क्या करते हैं कि जब उनके पास इस तरह का डेटा होता है वो लोग पहले ही नॉर्मलाइज कर लेते हैं, तो ये वाला कंडीशन उतना यूज़फुल नहीं है। जो दूसरा है वो ज़्यादा यूज़फुल क्राइटेरिया है कि अगर आपके जो फीचर्स हैं वो स्पार्स हैं। स्पार्स का मतलब हुआ कि आपका ज़्यादातर वैल्यूज़ आर ज़ीरो, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आर ज़ीरो। अगर आपके पास इस तरह का डेटा है ना, तो फिर आप एडाग्रैड एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो हमारे पास ये डेटा है कि हमारे पास इनपुट कॉलम्स में है IQ और CGPA और एक और इनपुट कॉलम है फ्रॉम IIT, और फिर हम पैकेज देख रहे हैं आउटपुट कॉलम में। तो यहाँ पे तो नॉर्मल IQ होगा, यहाँ पे CGP होगा, यहाँ पे 0 या 1 होगा डिपेंडिंग ऑन कि वो बच्चा IIT से है कि नहीं। ठीक है, अब जैसा आपको ऑलरेडी पता है इंडिया में बहुत कम लोग IIT में जा पाते हैं, तो ऑब्वियसली इस कॉलम में जो वैल्यूज़ होंगी वो ज़्यादातर 0 होंगी, राइट। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम बिकॉज अगर आप IIT से हो तो पैकेज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई डेटा है तो यहाँ पर आप एडाग्रैड यूज़ करोगे और अब वो आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स देगा। अब क्वेश्चन ये है कि स्पार्स फीचर होने से क्या परेशानी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्पार्स फीचर होने से एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम बोलते हैं इलॉन्गेटेड बॉल प्रॉब्लम, वो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम्स के थ्रू। ये देखो, ये मैं एक डेटा सेट के ऊपर मैंने ये ग्राफ्स प्लॉट किए हैं। सो ये ग्राफ है लॉस का विथ रिस्पेक्ट टू W&B। ठीक है, एक तरफ ये जो ग्राफ है ना, इनफैक्ट पहले ये वाला जो ग्राफ है ना, ये एक सिंपल XY ग्राफ है जहाँ पे X इज़ इनपुट कॉलम, Y इज़ आउटपुट कॉलम और X एक नॉर्मल इनपुट कॉलम है जहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर यू कैन सी कि M एक्सिस और B एक्सिस पे आपका देर इज़ अ सर्कुलर काइंड ऑफ कॉन्टूर प्लॉट। ठीक है, मतलब सर्कल्स है ये इक्लिप्स बट थोड़ा सर्कुलर है। बट यहाँ पे ये जो डेटा है ना, ये X और Y ही है, बट यहाँ पे जो X है इसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, मतलब ये स्पार्स फीचर है। अब स्पार्स फीचर होने की वजह से आप नोटिस करो कि आपका एक साइड बहुत इलॉन्गेट हो गया बोल। ठीक है, ये आपका M वाला साइड है
और ये आपका बी वाला साइड है, यू कैन सी थोड़ा इलॉन्गेटेड है, खिंचा हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि अगर आपका डेटा स्पार्स होगा तो आपका लॉस का पैरामीटर के साथ जो ग्राफ होगा वो थोड़ा इलॉन्गेटेड होगा, और अगर आपका फीचर स्पार्स नहीं होगा तो थोड़ा सर्कुलर होगा, ठीक है। ये आपको सबसे पहले समझना है। ये सेम चीज़ को आप 3D में देख सकते हो, ये इसी कॉन्टूर प्लॉट का 3D प्लॉट है। यहाँ पर यू कैन सी ये नॉर्मल वाला ग्राफ है, एक्चुअली ये वाला ग्राफ है, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे आप दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहे हो, ठीक है। वेयर एज ये वाला ग्राफ देखो, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ है। यू कैन सी आप इस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव नहीं कर रहे, आप इस डायरेक्शन में देर इज़ मूवमेंट बट इस जगह पे आप कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। तो होता क्या है कि इलॉन्गेटेड ग्राफ में आपका स्लोप जो होता है वो वन एक्सिस पे चेंज होता है और सेकेंड एक्सिस पे काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट रहता है, लाइक दिस। यू कैन सी ये जो एक्सिस है ये वाला, यहाँ पर आप चेंज कर रहे हो बट ये वाले एक्सिस में देर इज़ नो चेंज। अब होता क्या है कि जब आपके पास इस तरह का वैली होता है जहाँ पे एक एक्सिस में चेंजेस हो रहे हैं, दूसरे एक्सिस में स्लोप में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बेसिकली इलॉन्गेटेड बोल बन रहा है, तो यहाँ पे जो आपके नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं जैसे कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट हुआ या मोमेंटम हुआ या फिर नैग हुआ जो हमने अभी तक पढ़े हैं, ये सही तरीके से काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एडाग्रैड। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं आपको एक बार दिखाऊँगा कि इस तरह के वैली में बैच ग्रेडियंट डिसेंट और मोमेंटम क्या गड़बड़ कर रहा है और क्यों गड़बड़ कर रहा है, और फिर हम उस गड़बड़ को सॉल्व करेंगे यूजिंग एडाग्रैड। सो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ये वही डेटा है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक्स में बहुत सारी स्पार्स वैल्यूज हैं, जीरो वैल्यूज हैं, एंड यू कैन सी कि इस वैली में हमारा जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है वो किस तरीके से उतर रहा है। नोटिस करना कि पहले हम बी वाली साइड पे तेजी से मूव कर रहे हैं और एम की साइड में हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे, बट जब हम वैली में नीचे आ जा रहे हैं फिर हम एम की साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप डायरेक्टली नीचे आते तो आप जल्दी पहुंचते, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले बी की साइड में आप नीचे जा रहे हो और फिर आप एम की साइड में इवेंचुअली मूव कर रहे हो, ठीक है। ये सेम चीज का कॉन्टूर प्लॉट आप देख सकते हो कि आप पहले यहाँ पर आए और फिर आप सीधे गए, ठीक है। होना क्या चाहिए था कि आप इस तरीके से डायरेक्टली आते, बट वो नहीं हो रहा है बिकॉज दिस इज अ इलॉन्गेटेड बोल प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम बी वाली साइड में पहले क्यों उतर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि एम वाली जो साइड है, एम क्या है, एम इज द कोफिशियंट विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स, और एक्स स्पार्स है, दैट इज वाई शुरू में एक्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, एम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, बी के कॉरस्पॉन्डिंग सारी वन वैल्यूज हैं तो वो स्पार्स नहीं है, दैट इज वाई शुरू में बी में चेंजेस हो रहे हैं और आप नीचे उतर रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मोमेंटम। तो मोमेंटम के केस में दिस इज द आउटपुट, सिंस ये मोमेंटम है। बी की केस में आप गए बहुत तेजी से और इनफैक्ट आप थोड़ा ओवरशूट ही कर गए और फिर आप वापस आ रहे हो एम के डायरेक्शन में और आप अपने मिनिमा की तरफ मूव कर रहे हो। यू कैन सी द कॉन्टूर प्लॉट, आप पहले इस डायरेक्शन में थोड़ा आगे चले गए फिर आप वापस आए क्योंकि मोमेंटम में ओवरशूटिंग होता है और फिर आप वापस मिनिमा की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। बट अगेन यू कैन क्लियरली सी दिस इज नॉट अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ रीचिंग टू द मिनिमा, ठीक है। आप क्लियरली लॉजिकली देख के बता सकते हो कि इससे फास्टर तरीका पॉसिबल है अगर आप शॉर्टकट लो, आप डायरेक्टली इस तरीके से नीचे आओ, ठीक है। बट ये दोनों ही एल्गोरिदम्स ऐसा नहीं कर पा रहे और यही मेन प्रॉब्लम है जहां पर एडाग्रैड हमारे काम आएगा। सो इन शॉर्ट आपका बैच एसजीडी और मोमेंटम ये दोनों एल्गोरिदम्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे अगर आपके पास ऐसा डेटा है जो स्पार्स है, ठीक है। ये दोनों कटआउट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। यू कैन सी कि शुरू के बहुत सारे ईपॉक्स में क्या हो रहा है कि
ये बी वाला साइड है और ये एम वाला साइड है। यू कैन सी कि शुरू के बहुत सारे इपॉक्स में आप इस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर रहे हो, इस डायरेक्शन में बहुत कम मूव कर रहे हो, ठीक है। सेम यहाँ भी आप देख सकते हो कि शुरू के बहुत इपॉक में आप इस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर रहे हो बी के डायरेक्शन में, और एम के डायरेक्शन में बहुत कम मूव कर रहे हो। अब अगर आपके मन में फिर से ये डाउट आ रहा है कि क्यों हम बी के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एम के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, इट्स बिकॉज हमारा जो डेटा है वो कुछ ऐसा है, हमारे पास एक्स है कुछ इस तरीके से, बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, वाई नॉर्मल है, और साथ ही साथ आप ऐसे मान सकते हो कि हमारा यहाँ पर एक वन का कॉलम है, तो ये एम से आपका कोरिलेटेड है और ये बी से कोरिलेटेड है। तो सिंस एम से रिलेटेड वाला जो फीचर है उसमें बहुत सारी स्पार्स वैल्यूज़ हैं, इसलिए आप एम के डायरेक्शन में लेस मूवमेंट देख रहे हो, वेयर एज बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है सिंस उसमें कोई स्पार्स वैल्यू नहीं है, वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है और उसमें नॉर्मल मूवमेंट है, ठीक है। अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे पॉइंट को, बट आपको ये याद रखना है कि हमारा डेटा ऐसा है, हमारे डेटा में आप ऐसे मान सकते हो जैसे दो कॉलम्स हैं, एक एक्स और एक ये वाला कॉलम जहाँ पे सारी वैल्यूज़ वन है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि स्पार्स वाले कॉलम के अगेंस्ट मूवमेंट कम होता है और नॉर्मल वाले में नॉर्मल मूवमेंट होता है, ये हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम पहले एक न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं। हमारा जो डेटा है उसके हिसाब से मान लो हमारा न्यूरल नेटवर्क ये है, देर इज़ ओनली वन न्यूरॉन जहाँ पे इस साइड से एक्स का इनपुट मिल रहा है, इस साइड से वन का इनपुट मिल रहा है, ये मेरा डब्ल्यू है, ये मेरा बी है, और यहाँ से मुझे वाई हैट मिल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बैच ग्रेडियंट डिसेंट का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि अगर स्पार्स वैल्यूज़ होती हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट में आपका सूडो कोड कुछ ऐसा होता है, फॉर आई इन ईपॉक्स, आप क्या करते हो हर बार आप वेट को और बायस को अपडेट करते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। आप कुछ W और B का इनिशियल वैल्यू ले लेते हो और फिर उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करते हो यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, तो आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप दोनों का, अच्छा यहाँ पे B होगा बाय द वे, इनफैक्ट इसको ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों का ग्रेडियंट। अब एक बार ग्रेडियंट में आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे अगर आप इस वाले में डेल एल बाय डेल डब्ल्यू निकालो तो ये बेसिकली होगा डेल एल बाय डेल वाई हैट और डेल वाई हैट बाय डेल डब्ल्यू, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ हो रहा है बिकॉज ये एक लीनियर मतलब दिस इज़ अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपका वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर मीन स्क्वायर एरर आपका लॉस फंक्शन है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा और इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स। सिमिलरली अगर आप डेल एल बाई डेल बी का बात करो तो वो हो जाएगा टू इंटू वाई माइनस वाई हैट, यहाँ पे एक्स के बदले आ जाएगा वन क्योंकि इनपुट वन का है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो यहाँ पे डब्ल्यू में क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये टर्म, ठीक है। सो आपको करना क्या है, आपको फॉर एवरी ईपॉक वॉट यू हैव टू डू इज, अगर आपके पास 100 रोज हैं तो फॉर ईच रो यू विल कैलकुलेट वाई हैट और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स इनपुट है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे और ऐसा आप 100 रोज के लिए करोगे और सबको ऐड कर दोगे, आपको एक बड़ा सा टर्म मिलेगा फॉर दिस, और सिमिलरली ये सेम काम आप करोगे फॉर दिस। नाउ थिंक केयरफुली कि जब आप 100 रोज के लिए ये पूरी चीज़ करोगे तो इसमें तो बहुत बार एक्स का वैल्यू वुड बी ज़ीरो बिकॉज एक्स इज स्पार्स। अब एक्स अगर स्पार्स है तो ये जो पूरा डेरिवेटिव है ये भी बहुत बार ज़ीरो होगा, तो जब आप 100 रोज़ के लिए इनको ऐड करोगे तो बहुत सारे ज़ीरो होने की वजह से दिस विल बी अ स्मॉल नंबर, राइट।
अगर ये एक बहुत छोटा नंबर होगा तो आपका जो अपडेट है वो भी बहुत स्मॉल होगा इन एवरी ईपॉक। वेयर एज अगर आप बी का बात करो, यहाँ पे सिंस आप वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फॉर 100 रोज कभी भी ये जीरो नहीं होगा, और जुड़ते जुड़ते इट विल बी अ बिग नंबर। इसका मतलब जब आप बी से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल हैव अ बिग अपडेट इन एवरी ईपॉक। तो समझने की कोशिश करना कि होता क्या है कि आप इस वैले से नीचे जो उतरते हो, आप इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, तो आपके पास दो डायरेक्शन की वेलोसिटी है, एक इस डायरेक्शन की विच इज़ एम डायरेक्शन की, और एक इस डायरेक्शन की विच इज़ बी डायरेक्शन की, और इसी का रिजल्टेंट में आप उतरते हो, राइट। अब सोचो अगर एम वाले डायरेक्शन में आपका अपडेट हो ही नहीं रहा है और बी वाले में बड़ा अपडेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो मूवमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट। आई थिंक योर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है और एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है, तो आप उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाओगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर होता है कि अगर आपके पास स्पार्स कॉलम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट अपडेट होता है वो स्मॉल होता है, और जो नॉन स्पार्स कॉलम होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट अपडेट होता है वो नॉर्मल होता है या फिर बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपका ये वाला मूवमेंट नहीं होता है, आप किसी एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हो, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। और उसी की वजह से आप नोटिस करोगे कि शुरू में क्या हो रहा है कि आप पहले नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और फिर आप इवेंचुअली इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, कमेंट में इसका आंसर बताना कि एक पॉइंट के बाद जब हम यहाँ तक पहुँच गए उसके बाद इस डायरेक्शन में अपडेट क्यों होने लग गया, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फिर फाइनली इस डायरेक्शन में अपडेट होने लगा। ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। बट जो भी है, मैंने अभी आपके सामने ये एक्सप्लेन किया कि स्पार्स कॉलम होने की वजह से छोटे मूवमेंट्स क्यों होते हैं आपके इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। सो प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि अगर आपके पास एक स्पार्स कॉलम है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर होता है उसका डेरिवेटिव सिंस बहुत बार ज़ीरो होगा, उसकी वजह से उसका अपडेट स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। अब होता क्या है कि आपका जो रिजल्टेंट मूवमेंट होता है वो इन दोनों अपडेट्स का वेक्टर सम होता है इन अ वे। तो अगर ये वाला एकदम ही ज़ीरो होगा तो आप ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में मूव करोगे बहुत तेज़ी से, बट हमें चाहिए है ये वाला मूवमेंट, मतलब हमें एक डायरेक्शन और दूसरे डायरेक्शन को कंपेरेबल अपडेट देना है, मतलब मुझे ऐसा मेक श्योर करना है कि ये दोनों अपडेट्स सिमिलर लेवल पे हों। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन क्या है कि ऑब्वियसली ये ग्रेडियंट से तो प्रॉब्लम हो रहा है, अब अपडेट में एक ही चीज़ बचती है और वो है लर्निंग रेट। अब अभी तक आपने जितने भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स पढ़े, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मोमेंटम, नेस्टेरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट, उन सभी में कितने भी पैरामीटर्स हों सभी का जो लर्निंग रेट होता है वो सेम होता है। एडाग्रैड में आप क्या करते हो कि आप फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स डब्ल्यू और बी यू सेट डिफरेंट लर्निंग रेट्स, ठीक है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है एडाग्रैड में कि आप लर्निंग रेट अलग अलग पैरामीटर्स के लिए अलग अलग रखते हो। अब लर्निंग रेट को आप कैसे सेट करते हो मैं वो बताता हूँ आपको। अगर आपके पैरामीटर का जो अपडेट है इफ इट इज़ बिग तो आप उसके लर्निंग रेट को स्मॉल बना देते हो, सो दैट जब ये ग्रेडियंट इस छोटे लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई हो तो जो अपडेट हो वो स्मॉल हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो समहाउ आपको ये करना है कि उस पैरामीटर का लर्निंग रेट को स्मॉल कर देना है जिसका ग्रेडियंट बड़ा है, ठीक है। तो यही इंट्यूशन होता है एडाग्रैड का कि आप फॉर एवरी पैरामीटर
लर्निंग रेट अलग रखते हो और लर्निंग रेट को मैनिपुलेट कैसे करते हो। अगर किसी का डेरिवेटिव छोटा है तो लर्निंग रेट बड़ा होना चाहिए सो दैट उसका अपडेट बड़ा हो, और अगर किसी का ग्रेडियंट बड़ा है तो आप उसका लर्निंग रेट छोटा करते हो सो दैट उसका जो अपडेट है वो छोटा हो, ठीक है, ताकि ये दोनों हमेशा कंपेरेबल रहे। अब मैं आपको मैथमेटिकल फार्मूला दिखाता हूँ एडाग्रैड का। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ एडाग्रैड। सो डब्ल्यू टी प्लस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस लर्निंग रेट, ये बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बट ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म है, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ वी टी प्लस एप्साइलन, वेयर वी टी इज इक्वल टू वी टी माइनस वन प्लस ग्रेडियंट ऑफ वेट का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके सारे टर्म समझाता हूँ। सो बेसिकली अगर आप नोटिस करो ये पूरी चीज़ को, तो नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर बस ये जो ये वाला टर्म है ना, ये टर्म एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इस टर्म में भी दो चीज़ें हैं, एक है वी टी और एक है एप्साइलन। सो एप्साइलन इज़ बेसिकली अ वेरी स्मॉल नंबर, इसको यहाँ पे सिर्फ इसलिए रखा गया है कि अगर वी टी ज़ीरो हो तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एप्साइलन का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट वी टी। सो वी टी इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो वी टी क्या है? वी टी है पास्ट वी टी प्लस आपका ग्रेडियंट का स्क्वायर, बेसिकली इसका स्क्वायर या फिर इसका स्क्वायर। सो इन अ वे आप वी टी में क्या स्टोर कर रहे हो? पास्ट ग्रेडियंट्स का सम, या फिर आप बोल सकते हो स्क्वायर्ड सम। स्क्वायर्ड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ग्रेडियंट नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट आप उसको पॉजिटिव मान के ऐड करना चाहते हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना चाहते हो, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करना चाहते, दैट इज़ वाई आपने स्क्वायर कर दिया। मॉड क्यों नहीं किया? क्योंकि बैक प्रोपोगेशन के टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इसीलिए स्क्वायर किया, ठीक है। तो इन अ वे वी टी में आप क्या कर रहे हो? आप पहला ग्रेडियंट आया उसके बाद दूसरा ग्रेडियंट आया, हर इपॉक में आप जो ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हो उसका स्क्वायर करके ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, और इवेंचुअली आप उस नंबर से लर्निंग रेट को डिवाइड कर रहे हो। सो सोच के देखो, अगर किसी का ग्रेडियंट बड़ा होगा तो आप एक बड़े नंबर से लर्निंग रेट को जब डिवाइड करोगे तो लर्निंग रेट छोटा हो जाएगा, और अगर किसी का ग्रेडियंट छोटा है तो आप छोटे नंबर से जब डिवाइड करोगे तो एन के ऊपर लर्निंग रेट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको पूरा इंट्यूशन समझ में आ रहा है। आपने बस कुछ नहीं किया इस पूरे फॉर्मूले में, ये जो ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला है इसमें आपने बस लर्निंग रेट को रूट ओवर ऑफ वी टी से डिवाइड कर दिया। वी टी क्या है? पास्ट ग्रेडियंट्स के स्क्वायर का सम, दैट्स इट, और यही होता है आपका एडाग्रैड। अब मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ कि अगर आप एडाग्रैड अप्लाई करते हो स्पार्स डेटा के ऊपर तो क्या फायदा होता है। ये देखो गाइस, दिस इज एडाग्रैड ऑन द सेम डेटा एंड आई थिंक आप ऑलरेडी देख पा रहे होगे कि एडाग्रैड इज परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है। ये अगर आप कॉन्टूर प्लॉट पे फोकस करो तो यू कैन सी कि इसने थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज रास्ता अपनाया है। यू कैन कंपेयर इट विथ बैच ग्रेडियंट डिसेंट, दिस इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड दिस इज एडाग्रैड, ठीक है, एंड दिस इज मोमेंटम। यू कैन सी साइड बाय साइड कि देर इज अ क्लियर इम्प्रूवमेंट और दैट इज वाई आप जल्दी पहुंच पा रहे हो अपने ग्लोबल मिनिमा के पास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेज। क्या एडागैड का कोई डिसएडवांटेज है? द आंसर इज़ येस, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इनफैक्ट इतना बड़ा डिसएडवांटेज है कि जिसकी वजह से एडागैड को न्यूरल नेटवर्क्स में आप यूज़ नहीं करते। मोस्टली एडागैड को आप लीनियर रिग्रेशन जैसे प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हो बट नॉट फॉर अ कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क। जनरली आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? मैं आपको रीज़न देता हूँ। सो होता क्या है कि एडाग्रैड ना
सॉल्यूशन के पास तक पहुंच पाता है, सॉल्यूशन तक कन्वर्ज नहीं कर पाता कभी भी, कितने भी ईपॉक्स आप दे दो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि आप लर्निंग रेट को डिक्रीज़ कर रहे हो, आप उसको डिवाइड कर रहे हो अपने पास्ट अपडेट्स से या फिर पास्ट ग्रेडियंट से। तो जैसे जैसे ईपॉक्स बढ़ते हैं, ये वीटी बहुत बड़ा होने लगता है, और जैसे जैसे वीटी बहुत बड़ा होने लगता है, ये लर्निंग रेट बहुत छोटा होने लगता है, जिसकी वजह से जो अपडेट होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, और बेसिकली कोई अपडेट होता ही नहीं है, तो वो एक जगह पे जाके रुक जाता है और आपके मिनिमा तक कन्वर्ज नहीं करता। तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ एडाग्रैड कि आप ग्लोबल मिनिमा तक नहीं पहुंच पाओगे। तो फिर हमने पढ़ा क्यों? उसका रीज़न है कि आगे हम लोग दो और ऑप्टिमाइज़र्स पढ़ेंगे, आरएमएस प्रॉप और एडम, और इन दोनों में ही हम वो थ्योरी रीयूज़ करेंगे जो हमने एडाग्रैड में पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया और पसंद भी आया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।